तो दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आप भी वाइंडिंग करें अगर मशीन से, तो एकदम कंपनी की जैसा वाइंडिंग करें और आपका वायर भी कम लगे? तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो कि आप उसको यूज़ करते हैं तो आप कंपनी की जैसा वाइंडिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको निशान सेलिंग फैन वाइंडिंग मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, ये स्टेटर जो आप हमारे सामने देख पा रहे हैं, कंपनी का स्टेटर है और इसमें देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से वायर हमारा कम लग रहा है, लेकिन वायर कम है नहीं। इसमें जो मशीन की कारीगरी की गई है कि मशीन से बहुत अच्छे तरीके से वाइंडिंग हुई है, इसीलिए इसमें वायर हमारा कम लग रहा है। तो दोस्तों, कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा जो आप यूज़ करते हैं तो आप सीएनसी की तरह वाइंडिंग कर सकते हैं, एकदम कंपनी की तरह वाइंडिंग कर सकते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप हमारे सामने हमारे हाथ में देख पा रहे हैं, एक हमने वाइंडिंग किया जो कि 12x12 का है और आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से वाइंडिंग हुआ है। 35 नंबर से हमारा 350 और 370 टन है, लेकिन हमारा देखने में लग नहीं रहा है कि हमारा इतना टन इसमें गया है। लेकिन दोस्तों, मैंने जो टिक्स यूज़ किया उसकी सहायता से ये मेरा इस तरह से मेरा वाइंडिंग हुआ, काफ़ी अच्छी तरीके से वाइंडिंग हुआ है। और दोस्तों, खास बात ये है, इसमें 200 ग्राम टोटल वायर्स लगे। दोस्तों, पहले क्या होता था, 230 ग्राम के लगभग मेरा वायर्स लग जाते थे, 230 और 250 ग्राम तक इस टर्निंग पे, लेकिन मेरा दोस्तों ये जो ट्रिक हमने यूज़ किया उससे हमारा 200 ग्राम वायर में हो जाता है, 210 205 ग्राम में वायर में हो जाता है। चलिए, अब आपको हम आप कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं, उसको फॉलो करें और ऐसी वाइंडिंग आप भी करें। तो गाइस, जैसा कि आप हमारे सामने देख पा रहे हैं, निशान की सेलिंग फैन वाइंडिंग मशीन है, इसी मशीन से हमने ये वाइंडिंग किया है। तो चलिए, अब आपको हम टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं। तो सबसे पहले जो आपको ट्रिक यूज़ करना है दोस्तों, ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा वायर्स जो यहाँ पे हमारा पास होता है वायर्स, यहाँ पे आप इसको टाइट कर लीजिए। जितना भी आप टाइट कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइट कर लें, बस इतना टाइट ना करें कि आपका वायर वहाँ से टूटे। बस आपको इतना टाइट करना है कि वायर एकदम टाइट आपका सेलिंग में जाए। ये तो हो गया दोस्तों आपका पहला ट्रिक, आपको इसको टाइट कर लेना है अच्छे तरीके से। और दूसरा ट्रिक आप देख पा रहे हैं कि आपको कुछ उंगली से इस तरह से, ये इस तरह से आपको करना है और देख लीजिए, उस पर आपको वाइंडिंग करना है उंगलियों की तरफ से, आपको ऐसे फेरने इस तरह से, आपको अंदर बाहर आपको कॉयलों को सेट करना है दोस्तों। इसी प्रकार से आप सेट करेंगे, आपका एकदम बढ़िया से आपका वाइंडिंग होगा, एकदम सीएनसी की तरह आप कंपनी की जैसा आप वाइंडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं इसमें कितने अच्छी तरीके से वाइंडिंग हुआ है। दोस्तों, जैसा जैसा मैं फॉलो कर रहा हूँ, ये अंदर ऊपर डाई पे आप उंगलियों को फेरते रहना है और इसी तरह से आपको वाइंडिंग करना है। दोस्तों, अगर आपको इसकी वाइंडिंग डेटा आपको जानना है तो ये 12x12 का है, ये 13 से 14 mm का स्टेटर हमने 35 नंबर यूज़ किया हुआ है। 36 नंबर से भी आप वाइंडिंग कर सकते हैं, 35 नंबर से स्पीड आपको ज़्यादा मिलेगी, 36 नंबर से थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन 36 नंबर से भी अच्छी वाइंडिंग हो सकती है, 35 नंबर से भी हो सकती है। तो आपको देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से हमने वाइंडिंग किया, आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करना है दोस्तों, और आप इसी तरह वाइंडिंग भी आप कर ले जा सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे सामने देख पा रहे हैं कितने अच्छी तरीके से हमने वाइंडिंग किया हुआ है, 200 ग्राम वायर में मेरा ये हो गया और एकदम सेम सीएनसी की तरह लग रहा है, एकदम जैसे लग रहा है कंपनी का स्टेटर है। तो आप ये ट्रिक्स फॉलो करिए और फिर आगे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताएं कि आप इस ट्रिक्स फॉलो करने के बाद आप भी इसी तरह वाइंडिंग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा रहे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका रिप्लाई करके मैं आपको पूरी जानकारी पूरी सहायता आपके साथ करूँगा और आपको कुछ और भी बातें बताऊँगा, उसको भी ध्यान रख लीजिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।